टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है पूरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बीच में जो है मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, तो वहीं से मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ जहाँ हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। और ये वही स्क्रीन आपको सामने नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग का मीनिंग हमने समझा था, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करते हैं ये हमने शुरू किया था। और एक फटाफट दो मिनट में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ चल रहे थे ताकि वापिस वहीं से जुड़ सकें। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये जो हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में किस तरह से हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। और उसका हमने मेथड समझा था कि हम क्या करते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, कॉस्ट में होने वाले परिवर्तन को आउटपुट में होने वाले परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है, ठीक है। एक पहचान भी हमने बताई थी कि कब हम समझेंगे कि ये जो कॉस्ट है वो फुली वेरिएबल है, कब हम समझेंगे कि ये कॉस्ट फुली फिक्स्ड है। तो जैसे हमने अलग अलग यूनिट लेवल लिए थे, ठीक है, और हर एक यूनिट लेवल पर जो कॉस्ट आती है, पर यूनिट कॉस्ट अगर उतनी ही हो, जैसे 5000 पर 20000, 6000 पर 24000, 7000 पर 28000, तो पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम चलती है तो हम कहेंगे ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर टोटल कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता, जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे, ठीक है, जैसे 5000 पर भी 20000, 6000 पर भी 20000, तो इसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और अगर पूरी तरह से ना तो वो वेरिएबल है ना फिक्स्ड है तो वो सेमी वेरिएबल कहलाती है। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था, 5000 यूनिट पर तो 20000 रुपये लागत आ रही है और 8000 यूनिट पर 26000। तो अगर पर यूनिट में निकालता हूँ तो ये तो 4 रुपये आती है और ये हो जाएगा 3.25 लगभग, 3.25 रुपये के लगभग आएगा अगर 26000 को 8000 से मैं डिवाइड करता हूँ। तो अब मैं समझ गया कि ये देखो चेंज तो हो रही है, वेरी हो रही है, ठीक है, 20 से 26000 हो रही है, लेकिन पर यूनिट जो है वो 4 रुपये रहने के बजाय कुछ कम हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल नेचर की है। तो इसमें से अलग अलग कैसे करें इसको, ये हमने लास्ट टाइम जाना था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए तरीका, चेंज इन कॉस्ट 26000 माइनस 20000 डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट 8000 माइनस 5000, तो 6000 डिवाइड बाई 3000 हमने किया तो 2 रुपये पर यूनिट आ रहा था वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें, अब मुझे पता है भाई 20000 रुपये कॉस्ट है 5000 यूनिट की और 5000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 10000 रुपये अगर इसमें से हम लेस कर दें तो 10000 रुपये जो बचेगा वो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यह आप 26000 से ट्राई करें तो 8000 यूनिट की कॉस्ट 2 रुपये के हिसाब से 16000 वेरिएबल हो गया, बाकी 10000 फिक्स कॉस्ट हो गया। और इसका यूज क्या था, आपको बताया था कि मान लो 10000 यूनिट्स की कॉस्ट अब आपको निकालनी हो तो 10000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 10000 मल्टीप्लाई 20000 रुपये और फिक्स कॉस्ट 10000 हमने निकाली हुई है तो उसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी इस हिसाब से 30000 रुपये। और यहाँ से फिर हमने पोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिस्कस करना शुरू किया था कि सेल्स जो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये 3 फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। सेमी वेरिएबल का हमने समझ ही लिया कि वेरिएबल पार्ट वेरिएबल में जोड़ देते हैं, फिक्स पार्ट फिक्स में। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं जो बचता है, बाकी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बचता है और उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का बेस फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है वो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और इसकी जरूरत क्या है ये भी आपको बताया था कि अगर हम दो अलग अलग लेवल पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाले तो बदल जाता है, इसलिए हमें आगे फोरकास्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको एग्जाम्पल दिया था 10000 और 15000, ये दो लेवल हैं सेल्स के, वेरिएबल कॉस्ट 6000 है तो 10000 पर 6000, 15000 पर 9000 हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 4000 और 6000 हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट 2000 हमने मान ली थी, अगर हमने इसमें से लेस किया तो प्रॉफिट 2 और 4000 आ जाएगा। ये सब डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जस्ट एक बार यहाँ आपको
अप्रेस जोड़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में ये छूट गया था, तो मैं वहीं से उसको आगे ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट का अगर हमने परसेंटेज निकाला तो 2000 प्रॉफिट 10000 पर 20% आता है, और 4000 रुपए का प्रॉफिट 15000 पर 26.67% आता है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज तो हर लेवल पर चेंज हो जाएगा, तो हमें प्रेडिक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम प्रॉफिट की परसेंटेज लेने के बजाय कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज ले लेते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आता है वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद, और वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन सेम रहता है कि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 60% है तो देखो यहाँ पर भी 60% है, इसलिए कंट्रीब्यूशन यहाँ 40% है तो यहाँ पर भी 40% है। तो ये जो फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन रेशियो, जितनी भी सेल्स होगी उस पर कंट्रीब्यूशन हमें एक फिक्स्ड रेशियो के रूप में मिलता रहेगा, ये जो चीज हमें बताता है, जो रेशो हमें बताता है, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन रेशो, सीवी रेशो, या जिसको मैंने बताया कि ट्रेडिशनली आप पढ़ते आ रहे हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के नाम से, लेकिन ये प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं, परसेंटेज बताता है कंट्रीब्यूशन की, यानी कि 100 रुपए की बिक्री में कितना आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो पीवी रेशो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, जब ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास दो पीरियड्स गिवन हो सेल्स के, तब कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उस केस में आपको करना है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगर दो पीरियड्स आपको दे रखा हो तो आपको पीवी रेशियो निकालना है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, और हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 2019 और 2020 इयर्स हैं ये हमारे, इनकी हमने सेल्स ली यहाँ 2 लाख और यहाँ 2,50,000, प्रॉफिट यहाँ 40,000 था और यहाँ 60,000, तो हमने कहा कि चेंज इन सेल्स, सेल्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2,50,000 हो रही है 2 लाख से बढ़कर, तो चेंज इन सेल्स तो हो गई 50,000 नीचे देखिए, और चेंज इन प्रॉफिट 40,000 से बढ़कर 60,000, तो 20,000 रुपये चेंज इन प्रॉफिट, तो ये रेशियो आ गया 40%। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन 40% है, यानी कि मैं यूं भी कह सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट 60% रहेगी। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि अगर मैं कहूं कि 2021 में हमारी सेल्स भैया 3 लाख रुपए होने वाली है, तो बताओ हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो बड़ी आसानी से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 2021 में सेल्स हो गई 3 लाख, और पीवी रेशियो मेरे पास है, पीवी रेशियो हो जाएगा 3 लाख का 40%, यानी कि 1,20,000 रुपया मेरे पास पीवी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पीवी रेशियो 40%, तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास 1,20,000 रुपया हो जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते ही मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें, तो हमने उसको भी समझा था कि आप देखो जैसे कि यहाँ आपकी सेल्स है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 40%, तो 2 लाख का 40% कितना हो जाएगा 80,000, और कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट तो मुझे दे ही रखा है 40,000, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80 में से 40 गए 40,000, या इधर से चल लो आप 2,50,000 रुपये की सेल्स, कंट्रीब्यूशन 2,50,000 का 40% कितना हो जाएगा 1 लाख, इसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको भाई, प्रॉफिट मिल रहा है 60,000 रुपया, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 40,000, या फिक्स कॉस्ट 40,000 घटा दो तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा 60,000, जैसे भी आप कहें। तो इससे आप ब्रेकअप कर सकते हैं अलग अलग फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सारा आपको इससे पता चल जाता है। अभी इनका यूज भी देखेंगे प्रैक्टिकली, ये जैसे प्रेडिक्शन मैंने करके दिखा भी रखी है आपको, 3 लाख रुपए की सेल्स अगर होती तो कंट्रीब्यूशन हो जाता 3 लाख पर 40%, 1,20,000 का फिक्स कॉस्ट 40,000 है, तो प्रॉफिट फिर कितना मिलता 80,000 रुपये का। एक हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको कंपोजिट पीवी रेशियो, या इसको ओवरऑल पीवी रेशियो भी बोलते हैं। ये तब है जब हमें एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हो, जिसको सेल्स मिक्स बोल रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों प्रोडक्ट को बेचकर जो टोटल कंट्रीब्यूशन इनकी बिक्री से हमें मिल रहा है वो ऊपर, टोटल जो सेल्स हो रही है वो नीचे गुना 100, तो ये ओवरऑल पीवी रेशियो इनका निकल आता है। इसका यूज है आगे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में, वो हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और लास्ट डिस्कशन अपना यहाँ बीच में रह गया था, हम ब्रेक इवन पॉइंट पर बात कर रहे थे। तो हम कह रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जनरली जब आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो आप बोल देते हैं जी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट, पहले ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे इसको कि ब्रेक इवन पॉइंट के बेस पर ही बाकी सारा एनालिसिस डिपेंड करता है। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो लगभग सारा एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। इवन जब हम चार्ट पर करेंगे ये काम, ब्रेक इवन चार्ट जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेक इवन पॉइंट से ही मिल जाती है। ठीक है, आगे ये सारी प्रोडिक्शन जो प्रिडिक्शन है ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। एक इक्वेशन में ये समझाना चाह रहा था, फिर मैंने बीच में डिस्कशन चेंज कर दिया था वैसे, कि सेल्स को अगर आप पीवी रेशियो से गुना करें, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन का रेशियो, मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन रेशियो 40%, तो इसका मतलब जितनी भी बिक्री होगी उसमें 40% कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसका मतलब अगर सेल्स आपकी 2 लाख है तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 80,000। अगर 3 लाख की सेल्स है तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना, 1,20,000। तो आपको सेल्स को पीवी रेशियो से जब गुना करते तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन अभी हम पढ़कर आ रहे हैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का जोड़ होता है। इसका मतलब एक इक्वेशन, ये बेस इक्वेशन है इसकी, इसको आप समझ लें, सब फॉर्मूले आप देखेंगे इसी से निकलेंगे। ठीक है, सेल्स गुना पीवी रेशियो यानी कि जो आया कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर। तो इस इक्वेशन पर बहुत सारे फॉर्मूले इसके जो एनालिसिस होगा उस पर हम आएंगे। तो इससे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिक समझाने के लिए सर वॉइस नहीं आ रही।
हाँ नहीं यार, इसका इश्यू ही समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग समझना चाह रहे थे, और हमने इसके लिए एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए रेंट हमें पे करना हो 5000, और कोई भी प्रोडक्ट हमने सीडी का एग्जाम्पल लिया था कि आप कोई सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क आप बेचते हैं और एक सीडी 50 रुपीज की सेल की जाती है, ठीक है, और वो जो सीडी जो आप परचेज करते हैं, ठीक है, वो परचेज करते हैं 30 रुपीज की। इसका मतलब पर सीडी पर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि 20 रुपीज आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, एक सीडी सेल करके आपने 20 रुपीज का प्रॉफिट अगर अर्न कर लिया, अगर आप ये मान रहे हैं, तो ये गलत, ठीक है, क्योंकि अभी जो रेंट है 5000 वो आपको पे करना है। तो अगर पूरे मंथ में अगर एक ही यूनिट बिके तो 20 रुपये आप कमाएंगे और 5000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, इसका मतलब आपके पॉकेट से ही जाएगा, आपने कमाया तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने इसको समझना चाहा था बेसिक सिंपल भाषा में कि कब मेरा 5000 रुपये का किराया वसूल हो जाएगा, जहां से मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि 20 रुपये जो किराया है, किराए की राशि है, वो एक सीडी से पूरी हो जाती है, 1 रुपया 1/20 से, और 5000 रुपये का किराया कितनी सीडी सेल करके पूरा होगा, ये हमने 250 सीडी निकाला, यानी कि 250 सीडी के अगर आप बेचेंगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा, आप अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे, ठीक है। और गौर करें, देखें, तो ये जो 5000 रुपये क्या था, ये आपकी फिक्स कॉस्ट थी, और ये जो 20 रुपये क्या था, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि ये प्रॉफिट उसको अभी नहीं बोल सकते, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो जो आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। चेक करके देखिए ताकि हम बाकी फर्दर एनालिसिस कर सकें। तो सेल्स 250 यूनिट पर 50 के हिसाब से 12500 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 250 पर 30 के हिसाब से 7500 रुपये, कंट्रीब्यूशन 5000, फिक्स कॉस्ट 5000, और प्रॉफिट लॉस 0। तो अगर आप देखें ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या क्या आपको मिलता है, आप देखिए सेल्स आपकी है 12500 और टोटल कॉस्ट कितनी है 7500, तो वेरिएबल और 5000 फिक्स, तो टोटल कॉस्ट भी 12500 होती है। तो एक बात नोट करने की आपके लिए कि ब्रेक इवन पॉइंट पर एट बीईपी, एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। दूसरी बात आप देखें कंट्रीब्यूशन कितना है 5000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 5000, तो कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन किसके बराबर मानते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इसलिए कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर है। प्रॉफिट की जगह अगर मैं जीरो कर दूं, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। इस लेवल पर ना कोई प्रॉफिट है ना लॉस, इसलिए कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर, ठीक है। इसका मतलब इस लेवल पर फर्म अपनी फिक्स कॉस्ट का पूरा एब्जॉर्प्शन कर पा रही है। यहां से जो एडिशनल एक यूनिट मिलेगी, अगली जो 251 भी जो सीडी जो हम बेचेंगे उस पर हमें जो प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपया, वो हमारा अपना होगा और उसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं। अगर आप इससे कम यूनिट बेच रहे हैं तो क्या होगा, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए आप जो हैं 250 की जगह केवल 200 सीडी ही सेल करें, 200 गुना 50, तो ये 10000 रुपये सेल्स आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 गुना 30 के हिसाब से 6000, कंट्रीब्यूशन 4000, कंट्रीब्यूशन जब तक फिक्स कॉस्ट से कम रहेगा तब तक आपको लॉस होता रहेगा, 1000 रुपये लॉस हो रहा है। और अगर आप की सेल्स 15000 हो, ठीक है, या मैं यूं कहूं कि आप 300 सीडी की बिक्री कर रहे हैं, तो 300 गुना 50 आप करें 15000 हो जाएगा, तो 15000 रुपए की बिक्री पर
वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300 गुना 30 के हिसाब से 9000। अब कंट्रीब्यूशन आएगा 6000। जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 रुपीज, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल है जिसके बाद से, ठीक है, बीईपी इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर, पहली बात, फर्म इज एबल टू एब्जॉर्ब इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, जहां फर्म अपनी स्थायी लागतों का पूरा अवशोषण कर पाती है, ठीक है। यहां एट दिस लेवल टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, और प्रॉफिट या लॉस निल होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। तो इस लेवल पर फर्म अपना फिक्स कॉस्ट को पूरा कर लेती है, और आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर द लेवल ऑफ बीईपी, ठीक है, फर्म बीईपी लेवल के बाद, ठीक है, आफ्टर द लेवल ऑफ बीईपी द फर्म स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि आप इसको अपने प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। इस लेवल के बाद जितनी भी यूनिट बिकेगी उन सभी यूनिट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले तक जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था ब्रेक इवन पॉइंट तक, तो वो कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा, फिक्स कॉस्ट को पूरा करने में, ठीक है, फिक्स कॉस्ट के एब्जॉर्प्शन में, किराए की वसूली में। और उसके बाद जो आएगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन देने में। इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे भी आगे कि सेल्स बियॉन्ड बीईपी लेवल, बीईपी लेवल से जो ऊपर की जो सेल्स होती है, सेल्स बियॉन्ड बीईपी लेवल इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितनी भी बिक्री होती है उस सारी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, शॉर्ट में MOS भी बोल देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, ठीक है, सुरक्षा सीमा हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, किसी फर्म की ब्रेक इवन पॉइंट, किसी फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट हम अभी इसी वाली फर्म का ले लेते हैं, 12,500 रुपए की बिक्री पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अब इस फर्म की बिक्री 20,000 है, तो मैं कह रहा हूं कि सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 12,500 पर तो अपना फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्ब कर लेगी, उसके ऊपर कितनी बिक्री हुई है, 20,000 में से 12,500 लेस करो 7,500, ये 7,500 इसका सेफ्टी मार्जिन है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब, देखो, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जाते ही लॉस होना शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा 10,000 रुपए की बिक्री पर लॉस हो रहा है, तो मार्जिन सेफ्टी का मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कितने लेवल तक अगर इसकी सेल्स गिर जाए तो भी इसको लॉस नहीं होगा, तो भी ये सेफ मार्जिन में है, सेफ्टी मार्जिन में है। तो अगर इस फर्म की सेल्स 7,500 रुपए तक भी गिर जाती है तो इसको लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर गिरती है तो फिर इस फर्म को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। पहले कंसेप्ट को दिमाग में बैठाइए, अब जरा कंसेप्ट के बेस पर ही हम ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और अभी मैं सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रेक इवन पॉइंट हम और भी कई ढंग से निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो पहला मैं ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड, बेची गई इकाइयों के रूप में। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो सिंपली करिए कंट्रीब्यूशन, सॉरी, तो सिंपली करिए, अभी हमने क्या किया था, 5,000 को डिवाइड कर दिया था 20 रुपए से, तो अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन
यूनिट से, सी पर यूनिट से, ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी पर यूनिट। और ये एफ सी लिखने में भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि सी माने कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इसलिए सिंपली शॉर्ट में लिखें तो लिखा करें बस एफ डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, इन टर्म्स ऑफ सेल्स रुपीज में, अमाउंट के रूप में, ठीक है, अमाउंट के रूप में, रुपीज हो, डॉलर हो, पाउंड हो, जो भी है, उसमें कैसे निकालेंगे? भाई एक तरीका तो ये, यूनिट में निकाल लिया, इस यूनिट को आप सेलिंग प्राइस से गुना कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। वरना दूसरा तरीका भी तो है अपने पास, अभी हम बात कर रहे थे सेल्स को जब उसके पीवी रेशो से गुना कर देते हैं, पीवी रेशो में आपको बार बार बता रहा हूँ कंट्रीब्यूशन रेशो है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रेशो से गुना कर देते हैं, जो ये बताता है कि हर 100 रुपए की बिक्री में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो हर 100 रुपए की बिक्री में 40% कंट्रीब्यूशन, तो 5 लाख रुपए की अगर बिक्री है तो उस पर 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर। अब ब्रेक इवन पॉइंट पर अभी मुझे पता है एट बीईपी लेवल फिक्स कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है, ये क्या है, सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करें तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो जीरो होता है, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, लाभ तो होता ही नहीं है। तो अगर लाभ को मैं जीरो कर दूं तो एस गुना पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या बचा, एफ, प्रॉफिट तो जीरो है, तो इसका मतलब ये सेल्स कितनी हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये हो गया, ये एस सेल्स, सेल्स ब्रेक इन पॉइंट भी तो सेल्स का ही एक लेवल है, बिक्री का वो स्तर जहां फॉर्म अपने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पा रही है, उसको ब्रेक इन पॉइंट बोल रहे हैं। तो सेल्स ब्रेक इन पॉइंट सेल्स या सेल्स एट बीईपी बोल लीजिए, तो अगर अमाउंट रुपीज में निकालना है, रुपीज के रूप में, अमाउंट के रूप में निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग कंपोजिट ब्रेकिंग पॉइंट भी निकालते हैं, वैसे इसको जब एग्जाम्पल से बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कंपोजिट या ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। बस थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ, जब प्रोडक्ट मिक्स आपको दे रखा हो, प्रोडक्ट मिक्स इज गिवन, और ये प्रोडक्ट मिक्स फिक्स प्रोपोर्शन में है या वेरिएबल प्रोपोर्शन में, दोनों से फिर अलग अलग सिचुएशन में निकाला जाता है। बट अभी मैं जस्ट इतना बात कर लेता हूँ कि कंपोजिट या ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट हैं, तो तीनों प्रोडक्ट से टोटल बिक्री की जो हुई और टोटल कंट्रीब्यूशन मिला, उसके बेस पर अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, हमने ओवरऑल पीवी रेशियो निकाला था या कंपोजिट पीवी रेशियो। तो आप क्या करो, इस टोटल फिक्स कॉस्ट जो आती है उसको कंपोजिट या ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना, तो हमारा कंपोजिट या ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद इसको फिर अलग अलग यूनिट्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो आगे हम जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो उससे समझ लेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करना चाह रहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने जिक्र किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो सेल्स है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालें, जो आपकी टोटल सेल्स है या एक्चुअल सेल्स है उसमें से घटा दीजिए ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप और इसको समझें तो एक और भी ढंग से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ब्रेक इवन पॉइंट लेवल तक जब हम पहुंचते हैं तब तक हम अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी अब्जॉर्ब कर चुके होते हैं,
तो उसके बाद मिलने वाला सारा कंट्रीब्यूशन कहाँ जुड़ता है? प्रॉफिट। तो इसलिए इसका एक और भी तरीका है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इस रूप में निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, और इसका फिर आगे आपको यूज भी कर रहेंगे। देखो सब फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप से वहीं से निकलते रहेंगे। आपको जब प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पीवी रेशियो से गुना कर दो। अब ये क्या नई चीज आ गई, कुछ नहीं है देखा जाए तो। भाई देखो कुल बिक्री थी 5 लाख, मैंने कहा भाई इसमें 3 लाख रुपए तक की बिक्री तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट को बताती है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए की बिक्री क्या बताती है जी, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताती है, और ये टोटल सेल्स है। तो अब देखो 5 लाख रुपए की टोटल सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करूं, पीवी रेशियो को पीवी रेशियो मत बोलो, ये कंट्रीब्यूशन रेशियो है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज रेशियो है। मान लो पीवी रेशियो है, समझने के लिए मैंने ले लिया 30%, तो 5 लाख का 30%, 5 लाख को 30% से गुना करूंगा तो 1,50,000 रुपये आ जाएगा। ये टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और टोटल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें से 3 लाख रुपए ये भी सेल्स है, 2 लाख रुपए ये भी सेल्स है, लेकिन ये सेल्स फिक्स कॉस्ट को कवर करने तक है, ये कॉस्ट, ये जो सेल्स है वो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद वाली है। तो इस सेल्स को अगर पीवी रेशियो से गुना करूं, 30% से गुना करूं, तो 90,000 रुपये आ जाएगा, और इस वाली सेल्स को अगर मैं अपने पीवी रेशियो 30% से गुना करूं तो 60,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि इस ब्रेक इन पॉइंट को अगर मैं पीवी रेशियो से गुना कर रहा हूं तो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, देखो ब्रेक इन पॉइंट जो भी सेल्स है उसको जब मैं पीवी रेशियो से गुना कर रहा हूं तो जो आ रहा है वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये वाला कंट्रीब्यूशन कौन सा है, जहां फिक्स कॉस्ट कवर हुई, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ ये फिक्स कॉस्ट हो गई और इससे ऊपर जो है ये प्रॉफिट। ठीक है, तो आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट निकालने की तो हम सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पीवी रेशियो से गुना करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कई बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज रूप में भी निकाला जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज। ध्यान रखे जब भी परसेंटेज की बात होगी तो टोटल सेल्स का परसेंटेज होता है, तो तब हम इसको निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में 5 लाख रुपए की कुल बिक्री है और इसमें 2 लाख रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 5 लाख की बिक्री में 2 लाख रुपए मेरा सेफ्टी मार्जिन, यानी कि 40% का सेफ्टी मार्जिन में लेकर चल रहा हूँ। यानी कि अगर मेरी बिक्री 40% से गिर भी जाए तो भी मेरा लॉस शुरू नहीं होगा, तब भी मैं जो है मतलब कह लीजिए कि लॉस की सिचुएशन में मैं नहीं आऊंगा। ठीक है जी, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमने समझा, और अब बात कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की आ रही थी, तो अगेन एक बार फिर से इसी इक्वेशन को हम लेकर चलें। मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, फिक्स कॉस्ट यानी कि किराया था तुम्हारा 5,000 रुपया। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार किराया ही वसूल नहीं करना, अगेन वही सीडी वाला एग्जांपल, सेलिंग प्राइस 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपया थी, एक यूनिट को बेचकर कंट्रीब्यूशन मिल रहा था 20 रुपये एक सीडी को बेच। मैंने कहा यार 5,000 रुपये का किराया तो वसूल हो गया, लेकिन मैं सिर्फ किराया वसूल करने के लिए थोड़ी ही बैठा हूँ भाई, मुझे 5,000 रुपये किराया भी वसूल हो जाए और उसके बाद 10,000 रुपये का कम से कम प्रॉफिट हो, बताओ मैं कितनी बिक्री करूँ। मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है कि 10,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिले, 10,000 रुपीज में प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए 10,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अब हमने कहा कि अच्छा अब आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करना है, देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा है, ये कंट्रीब्यूशन, इसको हम कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं भाई। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना हो, फिक्स कॉस्ट प्लस